नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि एक आम आदमी की या औरत की नॉर्मल बीएमआर किस रेंज के अंदर रहा करती है। देखो, वैसे तो कोई है ना एकदम वो नहीं है, सटीक कोई आंकड़ा नहीं है नापने का या एकदम कहने का कि बस इसके अंदर है तो ही सही है, इसके अंदर नहीं है तो ख़राब है। ऐसे कोई एकदम सटीक तरीका नहीं है कहने का कि एकदम आपकी बीएमआर जितनी है ये सही है गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक आदमी की अलग होती है, पर फिर भी हम एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे पहले हम आदमियों की बात करते हैं, एक आम आदमी के लिए 1500-1600 से लेकर के 2000-2100 तक की बीएमआर की रेंज ठीक है। जैसे जैसे आदमी के शरीर में मसल बढ़ती है या उसका जैसे आदमी का कद ज़्यादा है किसी आदमी का कद कम है तो ज़्यादा कद वाले का की बी एम आर ज़्यादा होगी, बाकी सब चीज़ें उन दोनों में बराबर मान लें तो, या दो आदमी दोनों में सब कुछ बराबर है पर एक में मसल ज़्यादा है तो जिसमें मसल ज़्यादा है उसकी बी एम आर ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा होगी अगर उनकी जेनेटिक्स वगैरह सब बराबर मान लें तो। तो यूँ समझ लो कि अगर आप एक आदमी और अभी 1500-1600 के आसपास बी एम आर है तो ये नॉर्मल रेंज की ही है, 1600 से 1700-1800 नॉर्मल है। दो फिर आपके मान लो लंबे हो या शरीर में मसल ज़्यादा है तो 1900-2000-2100-2200 यहाँ तक पहुँचती है। ऐसा नहीं कि 1800-1700 कोई कम है या 1600 से 1800 कम है, 1600-1700 नॉर्मल है। अगर किसी 2500 भी हमारे तो थोड़ी ज़्यादा में ही है, कोई खास कम में नहीं है। एक आम आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा लंबा है या बहुत ही ज़्यादा मसल है तो बहुत अलग है। 3000 काफ़ी ज़्यादा है किसी एक नॉर्मल आदमी के लिए, काफ़ी ज़्यादा है। कोई बहुत ज़्यादा 7.5 फुट हो और बहुत मसल हो बात अलग है, पर 3000 अच्छा ज़्यादा है। हाइट कम होती है तो बीएमआर कम होगी क्योंकि लीन मसल मास कम होगा। लीन मसल मास सिर्फ मसल मास से नहीं होता ना, उसमें आपकी हड्डियों का और ऑर्गन और का भार भी गिना जाता है, चर्बी को छोड़ के जो भी आपके शरीर में उसे लीन मसल मास कहता है। तो जैसे आपकी हाइट कम होती है आपकी लीन मसल मास कम होता है, उसकी बीएमआर भी अभी कम होती है और आपकी हाइट बढ़ती है बीएमआर बढ़ती है, मसल मास बढ़ता है बीएमआर बढ़ती है, मसल मास कम होता है बीएमआर कम होती है। जेनेटिक्स के अलावा ये दो मेन फैक्टर है, हाइट और मसल मास। अगर किसी लड़की की 1000-1100-1200 बीएमआर है तो ये काफ़ी कम में गिनी जाएगी, 1400-1500 भी थोड़ी कम की तरफ ही है, ज़्यादा की तरफ नहीं है। एक आम औरत की बात करते हैं, एक आम औरत के लिए 1200 मतलब 1150-1200 से लेकर के 1500-1600-1700 के आसपास तक ठीक है, आमतौर पे 1200-1600 मान सकते हो। अगर किसी औरत की 1100-1100 के आसपास है तो कम की तरफ ही है, ये कोई खास ज़्यादा की तरफ नहीं है। अब ठीक है, आप कह सकते हो कोई औरत बहुत छोटी है, 5 फीट से भी कम की है तो उसकी बीएमआर कम होगी उस औरत से जो 5.5 फीट की है। किसी औरत के शरीर में मसल ज़्यादा है तो उसकी बीएमआर ज़्यादा होगी, पर फिर भी 1100-1100 थोड़ा कम की तरफ ही है। 800-1000 अगर बीएमआर है तो ये कम है, अच्छी खासी कम है आपकी बीएमआर एक औरत के लिए, और अगर 800 से कम है तो बहुत ज़्यादा कम है, और 800-1000 भी अच्छी खासी कम है। कोई औरत की बीएमआर 1700-1800 के आसपास है तो थोड़ी ज़्यादा की तरफ है, एक आम औरतों के लिए बात हो रही है। 1900-2000 के आसपास है तो अच्छी खासी ज़्यादा है आपकी बीएमआर। अगर आपको समझ में कि कैसे बताया जा सकता है कि बीएमआर ज़्यादा है कम है तो देखो, ऐसे बताया जा सकता है या कितना खाना खाते हो उस पर निर्भर करता है। एक आम आदमी 2000 कैलोरी हम मान लेते हैं कि एक आम आदमी दिन भर की 2000 कैलोरी खाता है तो उतनी ये खर्च करता है, 2000 कैलोरी खर्च करता है लगभग एक आम आदमी तो उतनी खाएगा तो उसका वजन उतना ही रहेगा, तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 मान लेते हैं। एक आम औरत के लिए 1600 के आसपास मान लेते हैं, तो इस आम आदमी की बीमार लगभग आम आदमी 1500 के आसपास मान लिया हमने, 1500-1600 हमने मान लिया। वो दिन भर में हल्का फुल्का घर का काम या फिर कहीं पे आना जाना तो पैदल आ गया चला गया या फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली तो 1.375 से हमने गुना करके उसकी मेंटेनेंस कैलोरी निकाली, लगभग 2000 के आसपास आएगी। ऐसी एक आम औरत की बीएमआर 1200 के आसपास मान ली, 1.375 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, गुणा कर लिया तो लगभग 1600 के आसपास आएगी उसकी मेंटेनेंस कैलोरी। ये मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालता है उस वीडियो से देख लेना। तो मतलब एक आम आदमी रोज के 2000 कैलोरी खाते हैं, एक आम औरत 1600 कैलोरी खाती है, एक आम आदमी 2000-2100 कैलोरी खाता है जब वो कोई खास कसरत नहीं कर रहा, हल्की फुल्की कर रहा है, हल्का फुल्का घर का काम कर रहा है। तो ये आम आदमी जो 2000 खा रहा है, आम औरत जो 1600 खा रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मान लो यही आम चीज़ें अगर हम थोड़ी कम आम लोगों के लिए करते हैं तो देखो,
मान लेते हैं एक औरत है जिसकी BMR 2000 कैलोरी होगी, ठीक है, तो ये अच्छी खासी ज़्यादा BMR है, कैसे पता चलेगा? मान लो इस औरत को हम 6 दिन कसरत करवाते हैं जिम में, घंटे सवा घंटे अच्छी खासी दबा के कसरत करती है, तो इसकी BMR आएगी 1.725 से गुणा करके, जो कि आ जाएगी 3450 इसकी मेंटेनेंस कैलोरी आएगी, इसकी BMR नहीं सॉरी इसकी मेंटेनेंस कैलोरी आएगी 2000 को 1.725 से गुणा करके 3450। 3450 बहुत होता है यार, जो औरत 1600 कैलोरी खा रही थी एक आम औरत, वही एक औरत उसकी दूनी से ज़्यादा खा रही है, तो ये काफ़ी है। मतलब आप दुगना खाना बहुत ज़्यादा होता है, सवा गुना डेढ़ गुना खाना भी अच्छा खासा ज़्यादा होता है अपने आप में, ये तो दुगने से ज़्यादा है। ऐसे पता चल रहा है कि 2000 एक औरत के लिए BMR ज़्यादा है, जो कि आमतौर पर 1600-1700 कैलोरी खाती होगी। और वैसे कम BMR का कैसे पता करें? कम BMR मान लो 800 कैलोरी हमने मान लिया कि किसी औरत की BMR है, तो 800 कैलोरी पे अगर उसने 6 दिन कसरत भी कर ली तो उसको 1.725 से गुना कर लोगे तो उसकी मेंटेनेंस आएगी 1400-1500 के आसपास। एक औरत 6 दिन दबा के कसरत कर रही है, और वो आम औरत जो कि दिन भर में सिर्फ घर का थोड़ा बहुत काम कर रही है उससे भी कम खा रही है, तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी कम है। उसकी मेंटेनेंस कैलोरी जो आई 1400-1500 के आसपास, जिसकी BMR 800 कैलोरी थी, जिसको हमने 1.75 से गुना किया क्योंकि वो 6 दिन हफ्ते में कसरत कर रही थी, तो वो 1400-1500 कैलोरी कम खा रही है यार, तो इससे हमें पता चल रहा है BMR कम है। और ऐसे ही हम लड़कों के लिए भी समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये नॉर्मल रेंज है BMR की। अगर आपको लग रहा है आपकी BMR बहुत कम है या बहुत ज़्यादा, तो आप किसी डॉक्टर या डाइटिशियन से बात कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि वो डॉक्टर या डाइटिशियन काफ़ी अच्छा हो। आपकी BMR ज़्यादा लग रही है, आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा खाते हो, तो हो सकता है जेनेटिक्स भी हो आपके, हो सकता है वैसे ही हो, लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप डॉक्टर या डाइटिशियन से बात कर लो। अगर आपकी BMR काफ़ी कम है, आपको लगता है आप बहुत कम खाते हो, तो आपको किसी डाइटिशियन डॉक्टर से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए, अच्छे डाइटिशियन या डॉक्टर से, जो कि आजकल थोड़े कम मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।